हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। भगवंत मान ने ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन पंजाब में सरकार चलाने की चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगी। पंजाब में 2020 में अपराधों में 13% का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, सूबे में ड्रग्स भी बड़ी समस्या है। वही राज्य भारी भरकम कर्ज में भी डूबा हुआ है। ऐसे में अगले 5 साल भगवंत मान के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पंजाब 3,00,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है, जो राज्य की जीडीपी का करीब 50% है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 2 दशकों से लगातार गिरी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए देने जैसे तमाम लोक लुभावने वायदे कर रखे हैं। ऐसे में भगवंत मान के समक्ष जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आर्थिक चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होंगी। कल्ले कल्ले बंदे नू साथ देना पड़ेगा। असी साथ ही मंगया सी, तुसी तुहाडे तो तुसी दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसे तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह दे बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसी इतिहास रचता 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखर च लिखा गया और आने वाले साल सिलेबस पढ़ाया जाया करूँगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो बिना किसी लालच तो वोटा पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी। उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान के सामने पंजाब की अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। दरअसल पंजाब के ऊपर अभी 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। राज्य की कृषि विकास की दर भी कम दर्ज की गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने अपने वादों को निभाने की भी बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए एक बड़े सरकारी खर्च की भी जरूरत पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि 18 से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में 18 साल से ऊपर के करीब 99,00,000 महिलाएं हैं। अब अगर इन सबको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे तो हर महीने 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर साल 11,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, रेत बजरी और केबल माफिया को लेकर लोगों में खासा असंतोष रहा है। पंजाब में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर रोकने की चुनौती भी है, जो माफिया राज से पंजाब को निजात दिलाने और बेअदबी मामले के आरोपियों के सजा दिलाने की चुनौतियां हैं। उड़ते पंजाब यानी कि ड्रग्स जैसी चुनौती से भी निपटने के लिए भगवंत मान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पंजाब में ड्रग्स बड़ी समस्या है। पिछले 7 सालों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3,836 किलो ड्रग्स पकड़ी है। यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से भी ड्रग्स की सप्लाई होती है। साल 2017 से 20 तक पंजाब बॉर्डर पर 1,235 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।